ठीक है, तो बहुत टाइम लगा रहा है, लॉग इन पे जाओ, देखो अब यहाँ स्लो हो गया है, हाइबरनेट से तो डरते हैं सब लोग, लॉग इन पे जाओ, उसके बाद ऑब्जेक्ट ब्राउजर पे जाओ, उसके बाद यहाँ पर्सन देखो, बच्चों देखो पर्सन, बिल्कुल सही पर्सन इन्फो है, उसका आर्किटेक्चर देख लो, पी आई डी है, पी का नाम है, पी एज है और पी का सिटी है, ठीक है, चूंकि हमारी प्राइमरी की है इसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती, ठीक है, आओ सर इसका डेटा देखते हैं। तो सर अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को दोबारा चलाऊं, तो अगर आपने अपनी एप्लीकेशन को दोबारा चलाया, फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी एप्लीकेशन को दोबारा चलाओगे तो आईडी अपने आप बढ़ गई, वो 2 हो गई, साहिल आ गया, अगर आप अपनी एप्लीकेशन को दोबारा चलाओगे तो आईडी की वैल्यू 3 हो जाएगी और डेटा वही रहेगा, ये देखो ए ऑटोमेटिकली नहीं, एक बार बन गया अपडेट हो रहा है, हाँ अपडेट हो रहा है, ठीक है, पहली बार में नहीं थे तो मैंने बना लिया, बढ़िया है, तो छोटी सी और इसी में फिर आगे की बढ़ना है, बाकी आपका आप ये मान के चलो, इधर देखो आप ये पहला प्रोग्राम देख रहे हो, इधर देखो आप ये पहला प्रोग्राम देख रहे हो, आप जब हाइबरनेट का पहला प्रोग्राम देख रहे हो और आप जब हाइबरनेट का लास्ट एक प्रोग्राम देख रहे हो, 90% सेम होगा, 90% सेम होगा, मतलब जो आपने लिखा है बस आप यही लिखोगे, ये लिखोगे मतलब ये लिखोगे, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, यहाँ कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी, मैपिंग में फर्क होगा, सिर्फ फर्क कहाँ होगा, फर्क यहाँ होगा, बस इसमें फर्क होगा, सिर्फ इसमें फर्क होगा, प्रोग्राम तो एज इट इज रहेगा, प्रोग्राम में तो कुछ होगा ही नहीं, मतलब आप ये मान के चलो पहला प्रोग्राम और लास्ट प्रोग्राम उसमें मुश्किल से 4 या 5 लाइन का फर्क होगा, बाकी एज इट इज होगा प्रोग्राम, एज इट इज यहाँ चेंज होगा, क्योंकि आप क्या सीख रहे हो, ओ आर मैपिंग, ऑब्जेक्ट की रिलेशन के साथ मैपिंग। तो ये टेस्ट क्लास है, अभी जरा मैं आपको इसके बारे में लिखवा देता हूँ, फिलहाल एक काम करता हूँ, ये पूरा प्रोजेक्ट जो है मैं आपको, ये तो अभी स्टोरिंग करने का हो रहा है, ये तो स्टोर करने का, रिट्रीव करने का देखते हैं, फिलहाल मैं इसके बारे में सोच रहा था कुछ आपको लिखवा दूँ, है ना, मैं लिखवा देता हूँ, वरना फिर हाँ वरना रिविजन भी हो जाए।